नमस्कार, आज हम बनाने वाले हैं कुवाड़े ससम। कुवाड़े मीन्स सफ़ेद कद्दू। एशगार्ड, एशगार्ड हाई इन फाइबर होता है और लो कैलोरी कंटेंट है, इसके लिए वेट लॉस के लिए बहुत अच्छा है। ये बहुत अच्छा डिटॉक्सिफायर है, जो अंदर के टॉक्सिक है जो अंदर बॉडी में रहते हैं वो साफ़ करता है। ये आज ग्रेवी हम बनाने वाले हैं कोकोनट के साथ में। जो बेसिक मसाल बनाते हैं, मसाला बनाते हैं हम GSB घोर सारस्वत लोग, ये चावल के साथ आप खा सकते हैं। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सबसे पहले हम कुवाड़े मतलब एशगार्ड को कट करेंगे। इसके जो बीज है उसे निकालना बहुत ज़रूरी है। एशगार्ड में हाई फाइबर रहता है और हाई वाटर कंटेंट रहता है, इसके लिए डाइजेशन के लिए भी बहुत अच्छा होता है। एशगार्ड का हम स्किन निकालेंगे कद्दू का। सफ़ेद कद्दू बहुत अच्छा डिटॉक्सिफायर है। शरीर की जो अंदर में जो गंदगी होती है, टॉक्सिक्स जो इकट्ठे होते हैं वो साफ़ करता है, अगर आप सुबह सुबह उसका जूस पियेंगे तो। अभी कद्दू को हम क्यूब्स में काट लेते हैं। आप ज़रूर ये रेसिपी ट्राई कीजिए, बहुत ही टेस्टी और यमी बनती है नारियल डालने की वजह से। कटे हुए कद्दू को एक बर्तन में निकाल लेते हैं। इसमें थोड़ा पानी डालते हैं 1 कप और इसको गैस के ऊपर पकाने रखते हैं। अब हम मसाला बनाते हैं। यहाँ पे मैंने 1 बड़ा नारियल पीस के लिया हुआ है। ये पूरा नारियल है, बड़ा साइज़ का जो पीसा हुआ है, फ्रेश नारियल है। यहाँ पे मैंने रोस्टेड रेड चिलीज लिए है, ये सूखी लाल मिर्ची है। यहाँ पे मैंने थोड़ी सी काश्मीरी ली है और थोड़ी तीखी वाली मिर्ची ली है। यहाँ पे ये इमली है जो एक छोटा नींबू के साइज़ का ये है। इसको सभी चीज़ों को हम मिक्सर में डाल के पीस लेते हैं। ये हमारा बेसिक मसाला है जो हम GSB गॉड सारस्वत लोग हर रेसिपी में, हर करी में यूज़ करते हैं। इसमें थोड़े से वेरिएशन हो सकते हैं। इसमें हम पानी डाल के और ये इमली डाल के इसको अच्छे से पीस लेंगे, फाइन पीस लेंगे। यहाँ पे मैंने एक पैन में तेल गरम करने रखा है, कोकोनट ऑयल है, आप कोई भी ऑयल ले सकते हैं। इसमें मैंने 1.5 टीस्पून राई डाला है। इसे अच्छे से रोस्ट करने के बाद हम मसाला में डाल के फिर से एक बार मिक्स करेंगे। हमारा मसाला रेडी है। अब हम जो हमारे पके हुए कद्दू है, सफ़ेद कद्दू, उसमें डालेंगे हमारा मसाला। यहाँ पे मैंने आधा मसाला डाला है फ़िलहाल, मैं ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं बना रही हूँ। यहाँ पे मैंने पूरा कद्दू यूज़ नहीं किया था, थोड़ा सांभर के लिए बचा के रखा था, इसके लिए मैं जो मसाला है आधा ही डाला है यहाँ पे। और आप पानी डाल के आप इतना थिकनेस चाहिए वो एडजस्ट कर सकते हैं। ये सेमी थिक ग्रेवी होती है। इसमें मैंने नमक डाला है स्वादानुसार। नारियल का मसाला डालने के बाद हम 5 मिनट इसे पकाते हैं। जब अच्छे से उबाल आ जाए, पक जाए, तब हम निकाल लेते हैं गैस पे से और अब तड़का देंगे। तड़के के लिए यहाँ मैंने ऑयल लिया है 2 टेबलस्पून। आप कोकोनट ऑयल भी ले सकते हैं, इससे स्वाद बहुत अच्छा आता है। यहाँ पर मैं सासम डाल रही हूँ, यानी मस्टर्ड सीड्स, राई, ये 1 टीस्पून डाला है मैंने। इसे अच्छे से तड़कने देते हैं। अब मैं गैस बंद करती हूँ क्योंकि हमारा जो तेल है अच्छे से गर्म हो गया है। और अब करी पत्ता डाल रही हूँ, करी लीव्स। इससे करी लीव्स जलती नहीं है गैस बंद करने की वजह से। तड़के को कुवाड़े ससम में डाल लेते हैं और इसे 5 मिनट ढक के रखते हैं। और अब गर्मा गर्म सर्व करेंगे उसके बाद चावल के साथ। आप ज़रूर ये रेसिपी ट्राई कीजिए और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।